77 साल पहले 1947 1947 को भारत आजाद होता है और आजादी मिलती है हमें अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन देश में कुछ मूर्खों का मानना है कि यह आजादी 100 साल की लीज पर मिली है। पूरी लड़के नहीं ली है, मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे। आप अगर आप में इतनी कुव्वत थी तो पूरी आजादी लेते ना उस टाइम। 99 साल की नहीं, ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। हमको इतने लोग बताएं, क्या 99 साल के लीज पर नहीं मिली थी आजादी? असल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्लेमेंट इटली द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन का क्या, जिसे भारतीयों को शांतिपूर्ण सत्ता सौंपने के लिए भेजा गया था, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। लेकिन ये आजादी हमें भीख में मिली थी ये देश की मूर्ख 40। जब सूरज की पहली किरण भारत पर पड़ती है तो लोगों के चेहरे खिलखिला उठते थे, क्योंकि वे गुलामी से मुक्त हो चुके थे। चीखती बुलकती आवाजें और चारों ओर से चलती बंदूकों ने कुछ ही देर में इस बाग को शांत कर दिया और मौन होकर यहाँ से अंग्रेज चल पड़े। पर इनके बलिदान की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, आजादी तो 100 साल की लीज पर जो मिली है। हमको इतने लोग बताएं, क्या 99 साल के लीज पर नहीं मिली थी आजादी? रियाज में चंद्रशेखर आजाद के योगदानों को कौन भुला सकता है? कौन भुला सकता है इसफाकुल्ला खान को? कौन भुला सकता है लाला लाजपत राय के योगदान को, जिन्हें सैंडर्स ने लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी? ऐलान करता हूं, मेरे ऊपर किया गया एक वार अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत महंगा साबित होगा। मेरे ऊपर बरसाई गई एक लाठी अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लेकिन कुछ भी हो, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से कोई मतलब नहीं बनता। इन लोगों को तो आजादी 2014 में जो मिली है वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। सातवीं फेल, चुप हो जा। महात्मा गांधी, जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है, आजादी की जीत के लिए राजशाही जीवन को त्याग कर एक महात्मा की भांति जीवन यापन करने लगे और सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों से लड़ने लगे। लेकिन महात्मा गांधी, क्षमा चाहते हैं, आपकी आजादी लीज पर मिली है, 100 साल के बाद ये वापस छीन जाएगी। आपको उन जवानों की कुछ शहादत तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो अंग्रेजों के सामने में आजादी आजादी बोलते हुए शहीद हुए थे। क्रांति लाओगे, लाएंगे, बम बनाओगे, बम बनाओगे, बता, टू बिगिन विद, बता। सेलुलर जेल हो या फिर आजादी पाने का खेल, खेलने वाले ने अपनी विकेट गिराई, तभी आज स्वतंत्रता का पटाखा हम लहरा पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, लहरा दो।